बलराम महतो को अंदर में गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। आप देखिए जयराम महतो इतना देर से नहीं निकलने से पब्लिक कितने नाराज है, आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। पुलिस प्रशासन ने धन्यवाद। देखिए पब्लिक का किस प्रकार से निराश, ये देखिए अभी धारणा पे बैठ गया पब्लिक, पब्लिक धारणा पे बैठ गए। पूजा दीदी जहाँ ये सुमिता भी पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना नाराज है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस पर कितना नाराज है पब्लिक, आप देख पा रहे होंगे कितने नाराज है। आप देख पा रहे होंगे पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, कुछ बात रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एक प्रशासन आए हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक बात नहीं रखे हैं, और क्या यह बात रखते हैं आगे हम आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल में आप बने रहिए और आगे आपको हम दिखाते हैं। क्या कहा टाइगर जयराम महतो देर से नहीं निकल रहे हैं, क्या गिरफ्तार कर लिया गया? ये देखिए जानकारी तो मिल रही इसी तरह क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या इसका गुनाह? अभी कुछ जानकारी कोई भी कारण है गिरफ्तार करने का दावा जो केस दिखा रहा है ना, केस ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, सिंगर रूम में रिटेन किया गया, रखा गया कई टाइगर में गिरीडी प्रति टाइगर जयराम महतो गुनाह यही है की इतना ज्यादा जनसंख्या इनके साथ, झारखण्ड का बेटा है, झारखण्ड का बेटा है, यही झारखण्ड के नेता बहुत फूली मगाई लगाया, उसका बाप कौन आज है झारखण्ड टाइगर को आज बड़ा नेता बनाएगा ना, पुलिस प्रशासन बड़ा नेता बनाएगा, तो एक नहीं है झारखण्ड जयराम महतो के साथ में। देखिए हम एक शब्द कहना चाहेंगे चाहे जो भी कारण रहे गिरफ्तार करने का, लेकिन आज नॉमिनेशन के समय गिरफ्तार करना कहां कहां तक न्याय संगत है? पुलिस प्रशासन कुछ बात रख रहे हैं, उसमें खुश है, ये देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए क्या बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन टाइगर महतो को गिरफ्तार करने से, कितनी पब्लिक में नाराजगी है आप देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे भीड़ और कितने आक्रोश है यहाँ की जनता, आप देख पा रहे होंगे। पुलिस प्रशासन को बोल दीजिए जल्दी हमारे टाइगर जयराम महतो को छोड़ेगा नहीं तो पूरे इस कार्यालय को धुआं धुआं नहीं कर दिए, तो ये झारखंड नहीं है, पूरा झारखंड
नहीं नहीं चलेगी, जो साला पागल करके आया उसे काट दे, और नबी जैसा हो जा रहा है, जो साला लड़ाई कर रहा है उसको साला अरेस्ट कर रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पागल करने वाला पागल टाइगर को गिरफ्तार करने के लिए एक ऐसा भी जेल नहीं बना है जो टाइगर को गिरफ्तार कर सकता है, टाइगर को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार किया गया 2022 के केस में, इनको बैरिकेटिंग का एक केस था उसके तहत इसको गिरफ्तार किया गया था। तो थोड़ी देर में टाइगर जयराम महतो को छोड़ा, देखिए इस प्रकार का साजिश विपक्षों के द्वारा टाइगर जयराम महतो को साजिश किया जा रहा है, क्या यह साजिश कितना दूर साबित होगा आप देखिए, देखिए दोस्तों ये देखिए पूजा दी क्यों गिरफ्तार किया गया। देखिए हम लोग तो सब बाहर थे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि क्यों अरेस्ट किया गया उनको, पर ये बहुत गंदा और बहुत गलत साजिश है। और यहाँ की जो जनता है, अगर आज जयराम महतो नहीं छूटे तो मुझे लगता है बस बोकारो शहर ने पूरे झारखंड की रोड आज जाम हो जाएगी, इसलिए इनको एक चेतावनी दी जाती है कि जल्द से जल्द टाइगर जयराम महतो को रिहा किया जाए अंदर। इतना देर क्या प्रोसेस होता है भाई, टाइगर जयराम महतो को घुसे अंदर 3 घंटा हो गया अभी तक निकले, तो जनता भी समझ चुकी है कि पब्लिक जनता मूर्खक नहीं है, टाइगर जयराम महतो जनता को 2 साल में हर गांव चौक चौराहा कुली जगा चुके हैं, तो जनता समझ चुकी है कि टाइगर जयराम महतो को साजिश के तहत अंदर गिरफ्तार शायद कर लिया गया है, इसलिए जनता भी ये जनता की एक चीख है, अगर जनता बौखला गई तो पूरा झारखंड जाम होगा आज। क्या लगा दीदी विपक्ष ने ये साजिश रख रही है? बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश के तहत ही किया गया है, ये खुले तौर पे साफ दिख रहा है कि ये साजिश है, और ये साजिश को हम लोग नहीं चलने देंगे। गरीब का बेटा, हम लोग घर का बेटा जो अंदर है सब गरीब उसको मिल के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कि 2022 का एक बैरिकेडिंग का केस था तो रांची में रैली, ठीक है केस था तो आप डायरेक्ट नॉमिनेशन के दिन अरेस्ट, यानी आप लोग का प्लानिंग है, तो ये साजिश नहीं चलेगी, केस है।